वेलकम 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 टू नाइट शो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन फॉर टुमारो 10:20 हो रही है रिकॉर्डिंग का समय है। कल होगा बड़ा धमाका, कल बड़ा धमाका, कल बड़ा धमाका हो सकता है, बिल्कुल 98% चांसेस है। अब 2% भगवान के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। जैकपॉट 100% लग सकता है। सी साइड ऑप्शन में तैयारी रखना, बिल्कुल निफ्टी ले स्पेशली निफ्टी 27,000 के लिए सफर की होगी शुरुआत, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ। इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, बेल आइकन नोटिस। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, रिक्वेस्ट करता हूँ यार वीडियो को शेयर कर देना, है ना। 27,000 की शुरुआत हो रही है, दूसरी बार बोल रहा हूँ आप लोगों को, लुक एट दिस। पिछली बार बोला था तो वॉर छिड़ गई थी, इस वजह से रह गए थे, तो अब यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा। म्यूचुअल फंड खरीदारी करनी है तो बिल्कुल खरीदारी कर लो, और यहाँ पर मैं क्लियरली स्टार्ट कर दूंगा। SIP मॉडल स्टार्ट कर दिया है। आज के दिन मैंने ऑपरेटर स्ट्रेटेजी में क्या ट्रेड किया है पूरी तरीके से मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये ट्रेड होने वाला है। निफ्टी में मैंने कहा था सुबह सुबह खुलते से आप लोगों को सेल करना है, कहाँ पर बोला था मैं आपको नोट डाउन करके बता देता हूँ। ये आज का चार्ट है 5 मिनट का, 10:15 के आसपास मेरे पास सिग्नल आ चुके थे। ये देखिए सिग्नल था कि ऑपरेटर स्ट्रेटेजी में ओनली पुट ऑप्शन लेना था, तो 24,900 का, 25,000 का और 25,100 का पुट खरीदारी करनी थी सुबह खुलते से तकरीबन 10:35 पर। जी हाँ, और सभी में 25,100 में, 25,000 में और 24,900 की पुट में, ठीक 24,900 में हालांकि प्रॉफिट कम बना है, 7 रुपए का ऑप्शन तकरीबन 14-15 रुपए तक ही गया है, ठीक है, डबल तो हुआ, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। उसके बाद से कोई ट्रेड जनरेट नहीं हुआ क्योंकि ऑपरेटर स्ट्रेटजी ने बोला थैंक यू टाटा बाय बाय, साइडवेज बोल दिया था। अब यहाँ पर एक ब्रेकिंग न्यूज लेकर आया, नोट डाउन करना, मेरे पास आ गया है ब्रेकआउट का सिग्नल दिखाई दे रहा है। गाइज ब्रेकिंग न्यूज, मैं ये ब्रेकआउट का सिग्नल लाया हूँ, देखो ब्रेकआउट का सिग्नल लेकर, ब्रेकआउट एक शब्द में बोल रहा हूँ, डाइवर्जन हो रहा है। 25,000 के निफ्टी हो सकती है कल आपको धमाका देखने को मिल जाए, और 25,000 के निफ्टी कल हो सकता है कि बिल्कुल पॉसिबिलिटी चांसेस है। देखो बॉटम ऑफ द लेवल से आज भी 25,000 के ऊपर हमने बंद हुए हैं और US मार्केट ऑल टाइम हाई के करीब करीब पहुंचते हुए फाइनली दिखाई दे रहे हैं। तो कल के दिन कुछ देखो, ये ऑपरेटर स्ट्रेटजी का सिग्नल है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ब्रेकिंग न्यूज बता रहा हूँ, डायवर्जन आ चुका है गाइस, ब्रेकिंग न्यूज बता रहा हूँ। तो डायवर्जन आ रहा है, ब्रेकआउट्स आ रहे हैं, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर मजबूत है 25,000 का, और कल दौड़ निकालने के लिए तैयार है हमारी कॉल ऑप्शन यहाँ 25,250 और 300 के लिए। तो यहाँ पर दो कॉल ऑप्शन पर नजरें रख सकते हो। तो देखो कंडीशन नंबर वन कौन सी कॉल ऑप्शन है पहले बता देता हूँ आप लोगों को मैं, राकेश जी चलने से पहले बोलूंगा, देखो चलने के बाद ना पूरी दुनिया बोलती है 25,000 की कॉल ऑप्शन खरीदारी कर सकते हैं आप लोगों, तकरीबन 194 की क्लोजिंग है, ठीक है। और टारगेट तकरीबन 280 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, मतलब 100-125 रुपए का मिनिमम टारगेट देखने को मिलेगा। यदि 280 रुपए के ऊपर यदि टिकने में कामयाबी मिल गई यहां से, यहां पर तो यहां पर कर देगा बड़ा धमाका अगेन, तो जो कि तकरीबन मुझे लगता है कुछ इस तरीके का चार्ट पैटर्न आप लोगों को कल देखने को मिल सकता है। तो ये देखो 300 रुपए तक, मतलब 190 रुपए के ऑप्शन 300 रुपए, 325 रुपए तक मिनिमम जा सकती है। तो यहाँ पर फ्राइडे हो सकता धमाका, बिल्कुल तैयार रहना हे, ठीक है। तो अब अगला सवाल ले लेते हैं, तो क्या कौन सी और 300 वाली खरीदारी कर सकते हैं? तो 300 वाली जो ऑप्शन है निफ्टी की वो भी धमाका दे सकती है, और कितना बड़ा धमाका देगी, देखो 67 रुपीज की क्लोजिंग है 25,300 की, 67 रुपीज की क्लोजिंग है, और तकरीबन ये मे भी आप लोगों को 114 रुपए, 115 रुपए और इसके ऊपर आके सस्टेन करने में कामयाबी मिलती है, मतलब 70 रुपए की 114 रुपए, 115 रुपए के करीब करीब आती है और यहाँ पर टिकती है, तो तकरीबन यहाँ पर भी आपको 140, 150 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसा सेटअप देखने को मिल सकता है, इसके ऊपर भी जा सकते हैं, हालांकि मार्केट में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, ये दो कंडीशन मुझे दिखाई दे रही है। ऑपरेटर स्ट्रेटजी बोल रही है गाइस, मैं पहले ही बोल रहा हूँ किसी प्रकार की कोई न्यूज लेकर नहीं आया हूँ आप लोगों के लिए मैं, ठीक है। अगली बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी क्लियर कट इंडिकेशन है, आपके सामने एक चार्ट पैटर्न खुला है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अब कल खुलते से ही हो सकता है कि बैंक निफ्टी भी धमाका दे जाए, क्योंकि यहाँ पर हाथी मेरा साथी HDFC बैंक आपका फेवरेट बना हुआ है मेरा, तो नोट डाउन कर लीजिएगा, कल खुलते से ही जाके सस्टेन करने लग जाए 700 के ऊपर, मतलब 51,700 के ऊपर, तो यहाँ पर खरीदारी करनी है 52,000 तकरीबन 400 तक के लिए, यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग शानदार रिकवरी देखने को मिल सकती है, और यहीं पर एक रेजिस्टेंस है जो कि आप लोगों को रोकता है, और इसको दो हिस्सों में डिवाइड भी कर देते हैं, यदि हम परसेंटेज के अकॉर्डिंग भी लेते तो यहाँ पर मुझे लगता है कि मे भी 500 पॉइंट, 600 पॉइंट की तेजी तकरीबन देखने को मिल सकती है कल के दिन भी।
और यहाँ पर कॉल ऑप्शन लेना चाहते हैं तो इन द मनी और करंट मनी में ज्यादा करने की कोशिश करें, आउट ऑफ द मनी ज्यादा करने की कोशिश ना करें, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी थोड़ी सी रन हो चुकी है, थोड़ी सी परेशान दिखाई दे रही है। यदि 700 के ऊपर आए तो ही खरीदारी करनी है। कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, सेंसेक्स भी कल तूफानी तेजी दे सकता है एक्सपायरी में, मेरी पॉसिबिलिटी है। बाकी वैसे एक बात बोलूं सेंसेक्स के बारे में, तो सेंसेक्स यदि चला तो ठीक है, नहीं चला तो ठीक है। क्यों बोल रहा हूं ऐसा, क्योंकि आपको भी पता चल गया होगा कि निफ्टी खराब हुआ, सॉरी पहले बैंक निफ्टी खराब हुआ, उसके बाद निफ्टी खराब हुआ, और अब सेंसेक्स की बारी आ सकती है एक्सपायरी में। तो एक्सपायरी में सपोर्ट तो नजर आते हैं, क्योंकि सपोर्ट तो दिखाई दे रहा है, अगर सुबह सुबह भाग जाए तो ठीक है, नहीं तो 12-2 बजे के बाद कोई गारंटी नहीं है। मतलब चांसेस हैं तो 82,300 के लिए, 400 के लिए, और उसके ऊपर 600 तक के लिए चांसेस हैं, मे बी पॉसिबिलिटी। यहां से 1,000-1,500 पॉइंट की रैली के बारे में, तकरीबन 800-900 पॉइंट की रैली तो तकरीबन दिखाई देती है, और यहां पर भी डाइवर्जन तो ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, बट ठीक ठाक नजर आ रहा है, साइडवेज ही लगता है, बट चांस 50-50 वाला है, नोट डाउन करके रख लेना। पहली कंडीशन 50-50 है, हम इसको देखेंगे, पहली कंडीशन सेंसेक्स को देखेंगे, जीरो हीरो को चेक करेंगे लाइव मार्केट में, उसके बाद ही रिकमेंडेशन कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। क्योंकि ये चीज आप भी समझते होंगे, कल बैंक निफ्टी ने खराब कर दिया, बैंक निफ्टी ने खराब कर दिया है, और इसी वजह से मैं आपका नुकसान नहीं चाहता, ठीक है। और सेकेंडरी कंडीशन आता है मिड कैप निफ्टी तूफानी तेजी, और इंडिया विक्स गिरता हुआ नजर आ रहा है, ब्रेकिंग न्यूज है, 4% से करीब करीब गिर चुका है। ऑलरेडी मैंने रिकमेंडेशन किया था इसमें कि इसमें एक भूचाल देखने को मिल सकता है, और वो चीज हुई भी सही। मिड कैप निफ्टी, मिड कैप निफ्टी तो वो कहानी वो है कि ज्यादा गिरी भी नहीं, ज्यादा बड़ी भी नहीं, और यहाँ पर बहुत लंबे समय से कंसोलिडेशन एरिया में चल रही थी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप लेवल बनाने की कोशिश करी, उसके बाद यहाँ पर सेल ऑन और राइज का ही एक मूवमेंट दिखाई देता है, थोड़ा सा चौपीनेस दिखाई देता है मुझे, और इसी रेंज में थोड़ा सा फंसा हुआ दिखाई देता है। तो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के साथ खरीदारी कर सकते हैं 12,900 की, 12,800 की कॉल ऑप्शन में, और ज्यादा दूर का नहीं, तकरीबन 13,000-13,100 तक के टारगेट मिनिमम रख सकते हैं अभी के लिए। याद रखना मिड कैप निफ्टी ज्यादा नहीं चल सकती, बिकॉज क्योंकि वहां पर ज्यादा बड़ा मोमेंटम नहीं आया, ज्यादा बड़ा मोमेंटम हमेशा बैंक निफ्टी और निफ्टी में आया करेक्शन के, इसके लिए वहां पर भी ज्यादा रिकवरी देखने को मिलेगी, ये शब्द याद रखना मेरा। ओके थैंक यू। यदि आपका कोई सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और सब्सक्राइब कर दिया करो यार, शेयर कर दिया करो यार, ईमानदारी से, है ना, अच्छा लगता है तो कमेंट भी कर दिया करो, है ना।